अगर आप पेज नंबर 26 देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर अब सिर्फ 5 रेशो हमारे सिलेबस में रह गए, फर्स्ट 5 रेशो, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है, उन पे स्टार मार्क लगा हुआ है। पहली 4 रेशो तो हम समझ चुके हैं, सिर्फ 1 रेशो बाकी है जिसे यहाँ पे बोला गया नाम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी को एक नाम से और भी पुकारा जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस रेशो का जो फार्मूला है वो पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। इसका फार्मूला हमारा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या है ये फार्मूला, कैसे ये वर्कआउट हुआ है, कैसे ये काम करता है, उसको समझाना है मुझे। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तुमसे डिस्कस करना पड़ेगा कि कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। अभी तक हमने कैपिटल का मतलब सिर्फ ऑनर के द्वारा लगाए हुए पैसे को ही कैपिटल माना है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में कितना पैसा डाला गया। इस चीज़ को मैं ऐसे समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कि से मैंने एक बिजनेस करना था और बिजनेस करने के लिए मैंने किसी से अंदाज़ा लगवाया कि मुझे बिजनेस के लिए कितने पैसे डालने पड़ेंगे। उसने बोला कि बिजनेस में 10 लाख रुपए का आपको इंतजाम करना पड़ेगा अगर आप ठीक से करना चाहते हैं। मेरे पास अपनी कैपिटल से मैं कहता हूँ 6 लाख रुपए थी। 4 लाख रुपए का मैंने क्या किया, कहीं से लोन ले लिया, तो 10 लाख हो गई। अगर कोई वैसे मुझसे पूछे कि भाई कैपिटल तुम्हारी कितनी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैंने कितनी कैपिटल लगाई है, 6 लाख। लेकिन अगर मैंने बिजनेस में तुमसे इन्वेस्टमेंट पूछ ली कि बिजनेस में मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, तो क्या आप ये बोलोगे मैंने बिजनेस में 6 लाख इन्वेस्ट किया है, कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 10 लाख। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने अपना और उधार लेकर जो पैसा लिया उसको भी ऐड करके कितना पैसा बिजनेस में डाला। अच्छा, अगर मैं मैनेजर अपॉइंट कर दूं इस काम को करने के लिए, तो मैनेजर को काम करने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 6 लाख या 10 लाख? अगर मैं मैनेजर को 6 लाख दे दूं और कहूं भैया काम करो, तो कर पाएगा ठीक से काम, उसको कितने पैसे चाहिएंगे? तो अगर मैनेजर पूछे भाई बिजनेस में, मैं मैनेजर से पूछे भैया बिजनेस में मैंने कितने पैसे डाले हैं, तो क्या जवाब देगा वो भी, 10 लाख। मैनेजर की नजर से मेरी कैपिटल 10 लाख है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल में फर्क है, कैपिटल का मतलब तो ऑनर का पैसा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का ना बिजनेस में कितना डाला गया। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्ड है एम्प्लॉयड, लेकिन एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट हमारी अपना पैसा और उधार का लेवा पैसा जोड़ के पता चलेगी हमेशा आपको, ठीक है। तो जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म को हटा दो, जो आपके छोटे मोटे खर्चे हाथों हाथ चलते रहेंगे उनको हटा दो, वो परमानेंट नहीं है, लेकिन जो परमानेंट आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा उसे हम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़े सोर्स बताए, लेकिन एक कंपनी में इसके अलावा भी सोर्स हो सकते हैं। तो कौन कौन से सोर्स होते हैं, मैं पूरी की पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरा का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो सोर्स होता है वो ऑनर खुद के पैसे लगाता है, वो होता है कोई भी बिजनेस, लोन तो बाद में लोगे ना, पहले कोशिश क्या होती है हम अपना खुद का पैसा बिजनेस में डालें। तो सबसे पहले कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में खुद का जो पैसा होता है हम सिर्फ कैपिटल भी नाम नहीं देते उसको, क्या नाम देते हैं उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। कंपनी में हम अपनी कैपिटल को क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अगर आपको बिजनेस चलाते हुए 4-5 साल हो चुके हों तो जो आपने कैपिटल डाली होती है उसके ऊपर कुछ कमाया भी होता है, और अगर वो कमाया हुआ पैसा आप विड्रॉ ना करें तो वो पैसा भी बिजनेस में रीइन्वेस्ट हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ कि से हमने बिजनेस शुरू किया तो 10 लाख रुपए की हमने कैपिटल डाली थी, फिर हमने बीते सालों में 4-5 साल में कोई 4-5 लाख रुपए कमाए, जो 5 लाख रुपए कमाए उसमें से 3 लाख रुपए भी खर्च किए, तो 2 लाख वो जो बच गया रिजर्व, वो भी बिजनेस में आगे काम में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब ये बढ़ सकती है अगर मैं रिजर्व क्रिएट कर लूँ, रिजर्व एंड सरप्लस से ये पैसा बढ़ जाएगा। और जो भी रिजर्व है वो भी किसके होते हैं, वो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर के ही होते हैं, उनकी कमाई थी, उनकी बचत है, क्लियर है। अच्छा, कभी कभी लेकिन हमारे सामने कोई एक्सपेंस भी आ जाता है, तो जो पैसा जोड़ता है उसी का खर्चा होने से पैसा कम भी हो जाता है। तो अगर कोई आपके पास फिक्टिशियस असेट आ जाए या फिर कोई लॉस या एक्सपेंस आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। पता चलता है कि हमारा से कहीं पे कोई नुकसान या कोई ऐसी असेट है जो वेस्ट हो गई है 50,000 की, तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। क्लियर, सबको बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर पैसे की कमी पड़ जाए तो हमारी कोशिश होती है सबसे पहले बाहर वालों से लोन लेने से पहले हम अपने नियर एंड डियर को अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ज़्यादा रिजिट नहीं होते,
हम अपने फ्रेंड से और रिलेटिव से पैसा मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके साथ अगर हमारा थोड़ा कभी डिले भी हो जाए तो ज़्यादा वो हार्श एक्शन नहीं लेते। तो वैसे कंपनी में अगर पैसों की कमी पड़ जाए तो लोन लेने से पहले वो क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर भी शेयर कैपिटल की तरह होते हैं, लेकिन उस पर फुल राइट नहीं होते और उनको हमें थोड़ा सा पेमेंट पहले करनी पड़ती है, लेकिन वो लोन नहीं होता, होते वो भी शेयर होते हैं, सेकेंडरी शेयर समझ सकते हैं। तो पैसों की जरूरत पड़ने पर ये कंपनी क्या इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू कर सकती है। से मैं मान के चलता हूँ 3 लाख रुपए के उन्होंने प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर दिए। अच्छा, तब भी पैसे कम पड़ गए, फिर क्या करेंगे वो? अब अपने पैसे भी हो गए, हमने फ्रेंड्स की हेल्प भी ले ली एक तरह से, प्रेफरेंस शेयर समझ लो लाइक फ्रेंड्स, अब भी कम पड़ गए तो फिर हम आउटसाइडर को तलाशेंगे और आउटसाइडर हमें या तो लोन देंगे या तो हमें डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, लोन या डिबेंचर से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ये सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। उसके बाद क्रेडिटर वगैरह रह रहते हैं वो तो शॉर्ट टर्म होते हैं, वो तो आना जाना उनका लगा रहता है। से मैं मान के चलता हूँ कि 4 लाख रुपये का हमने ये डिबेंचर भी इशू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे फिगर सिंप्लीफाई करने के लिए इसे 2.5 लाख कर देता हूँ, जिससे कि सारी सारी फिगर जो है वो सही तरीके से आ जाए। अब मैं इसमें कैटेगरी बनाने वाला हूँ कि ये टोटल जो पैसा इकट्ठा हुआ वो कौन कौन से कैटेगरी से इकट्ठा हुआ। सबसे पहला आपके 3 चीज़ें जो हैं ये मिलके होती है, उसके बाद फिर हमने फ्रेंड्स को कॉल किया एक तरह से प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद ये आउटसाइडर। तो अगर आपने कभी यहाँ से लेकर और यहाँ तक एडिशनल किया सिर्फ इतनी चीज़ों को, तो आप इसको एक नाम देंगे इक्विटी फंड। इसको क्या नाम देंगे, इक्विटी फंड, क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है। इसमें प्लस भी हुआ और माइनस भी हुआ, नेट फिगर इसकी कितनी रह जाएगी, 7 लाख रुपए। अगर मैं पूछूं इक्विटी फंड मेरा कितना है तो आप बोलोगे सर 7 लाख है, 7 लाख का नहीं सॉरी 12 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए आपका ये रहा, 2.5 लाख रुपए रहा, 12.5 हो गया, 12.5 में 50,000 गवा भी दिए हैं, तो मेरा इक्विटी फंड कितना हुआ, 12 लाख रुपए। अच्छा, अगर मैं इसमें एक चीज और ऐड कर लूं, यहां तक अगर ऐड कर लूं, तो हम इसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड, या फिर इसको नाम देंगे सिर्फ इक्विटी। और अगर मैं इसका अमाउंट पूछूं तो आप क्या कहोगे, 12 लाख था, 3 लाख और ऐड हो गया, इसका अमाउंट कितना हो गया, 15 लाख रुपए। ध्यान रखना इसे इक्विटी फंड नाम दिया है और इसे क्या नाम दिया है, इक्विटी। सिर्फ एक वर्ड कम ज्यादा करने से मीनिंग बदल जाता है, कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में फर्क है, इक्विटी और इक्विटी फंड में भी फर्क है। इक्विटी फंड था ये 12 लाख, और इक्विटी में सिर्फ एक चीज ऐड करनी पड़ी, क्या, प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ ऐड किया और आगे हम इक्विटी पे, ठीक है, या शेयर होल्डर फंड पे। शेयर होल्डर तो ये भी है ना, ये इक्विटी शेयर होल्डर है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर फंड में इक्विटी प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व प्लस फिक्टिशियस एट माइनस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस होगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट बचा, इन सबको ले लीजिए, इन सबको लेने पे जो आएगा उसे बोलेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टमेंट। अब बताओगे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी मानी जाएगी, 15 लाख थे, 4 लाख और ऐड हो गए, 19 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड मानी जाएगी। सबको क्लियर है, 3 फार्मूले जो होंगे। अगर आपने सिर्फ इन तीनों को लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस सेट, तो क्या बोलेंगे, इक्विटी फंड आ गया। सिर्फ एक चीज ऐड कर दी, क्या ऐड कर लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आगे हम इक्विटी पे या शेयर होल्डर फंड पे। सिर्फ एक चीज और ऐड कर दी, लोन या डिबेंचर, तो आगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड पे। हमारा फार्मूला इसी कैपिटल एम्प्लॉयड की नीड करता है। अच्छा, ये तरीके मैंने क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार वो आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट देगा क्वेश्चन के अंदर, वो कहेगा जी हमने आपको इक्विटी फंड बता दिया, क्या बता दिया, इक्विटी फंड, फिर वो इक्विटी शेयर कैपिटल भी बताएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बताएगा और लोन भी बताएगा। तब समझ जाना, जब इक्विटी फंड बता दिया तो इक्विटी को दोबारा थोड़ी, इक्विटी कैपिटल को थोड़ी दोबारा जोड़ेंगे, आपको सिर्फ 2 चीज़ें जोड़नी है। क्या क्या जोड़नी है, एक प्रेफरेंस जोड़ लो और एक लोन जोड़ दो, तो आपके पास कैपिटल इम्प्लॉयड आ जाएगी। कभी कभी वो बोलेगा जी इक्विटी बता दी आपको, रिजर्व भी बताया आपको और लोन भी बताया। हम कहेंगे अच्छा इक्विटी बताई है, मतलब यहां तक तो पहुंचा दिया आपने, तो अगर रिजर्व वो दोबारा बताते तो उसको तो इग्नोर कर देंगे, रिजर्व तो पहले ही जुड़ चुका है, देखो रिजर्व जुड़ चुका है तभी तो इक्विटी निकली है, तो आपको रिजर्व दोबारा नहीं जोड़ना, आपको सिर्फ लोन को जोड़ना है। इस इक्विटी के अंदर लोन जैसी जोड़ोगे आपके पास क्या जाएगा, कैपिटल इम्प्लॉयड। तो कई बार वो तुमसे थोड़ा मजाक करेगा, जो चीज वो दे चुका है उसी की फिगर दोबारा बताएगा, वो कहेगा इक्विटी बता रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी बता रहा हूं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बता रहा हूं, ये दोनों यूजलेस है। जब इक्विटी तुम्हारे पास आ गई है तो ना तो इक्विटी शेयर कैपिटल दोबारा जुड़ेगी ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोबारा जुड़ेगी, क्योंकि इक्विटी आ गई है तो मतलब वो पहले जुड़े, सिर्फ लोन है तो बताओ लोन को जोड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि आपको इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता लगानी है।
अच्छा, अब नीचे वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया, अब बचा क्या ऊपर वाला पार्ट। सिंपल सा लॉजिक है, अकाउंट्स हमें कहते हैं कि जो फार्मूला बनेगा वो लॉजिक से बनेगा। एक फार्मूला इसके अंदर हट गया, वो फार्मूला मैं अगर लिख दूं तो आपको ये लॉजिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक फार्मूला जो आपसे हटा लिया गया अब सिलेबस में, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऊपर वाला फार्मूला कैसे बन रहा है। इसका फार्मूला जो है, अगर अपने असाइनमेंट में देखोगे लिखा हुआ अभी भी, वो है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी फंड। अगर आप देखोगे तो ये वाला फार्मूला नजर आएगा आपको। इस फार्मूले से मैं इसका लॉजिक समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको पता चल जाए ये फार्मूला बनना कैसे है। ऐसे नहीं कहीं से भी कुछ भी लगा दिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। हमने बड़े हिसाब से ये फार्मूला बनाया। अब यहां से मुझे बस एक छोटे से जवाब देना कि हमने ये पैसा बिजनेस में लगा दिया अगर, तो उससे इनकम तो जरूर होगी। अच्छा, मैं कहता हूँ ये सारा का सारा पैसा बताइए बिजनेस में कितना पैसा डला होगा हमारा, 19 लाख। अच्छा, ये 19 लाख रुपए जब हमने डाल दिए होंगे तो उसका बंटवारा कई लोगों के बीच में होगा। जिस जिसने बिजनेस में पैसा डाला उन सबको इसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा, रूल के अकॉर्डिंग यहां से डिस्ट्रीब्यूशन वर्क शुरू होगा जिनसे हमने लोन लिया। देखो, हमने लोन लिया ना, लोन लिया तो उनको क्या देना पड़ेगा, तो ये वाले स्टेट से अब डिस्ट्रीब्यूशन वर्क शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट देंगे जिनसे हमने लोन लिया। मैं मान लेता हूँ उसे 10% लोन था, तो इनको इस 19 लाख के ऊपर जो पैसा कमाएंगे, अच्छा 19 लाख पे हम कितना कमाएंगे, 19 लाख पे आपकी इनकम कुछ होगी 20-25%। से मैं कहता हूँ 19 लाख रुपये लगा के हमने जो प्रॉफिट कमाया इस स्टेज पे वो 2,50,000 कमाया, तो 2,50,000 का प्रॉफिट था। इसमें से सबसे पहले हमने क्या देना है, इंटरेस्ट 40,000 दोगे इंटरेस्ट, क्योंकि 4 लाख का लोन ले तो इंटरेस्ट पे कितना दोगे, 40,000। अच्छा, जैसे ही तुम इंटरेस्ट दे दोगे उसके बाद फिर सरकार भी अपनी झोली फैलाएगी और थोड़ा सा क्या मांगेगी, टैक्स। जो बाकी बचा पैसा होगा उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। से मान लेता हूँ 60,000 रुपये हमने टैक्स में भर दिया तो हमारा 1 लाख निकल गया। अच्छा, आपने 40 यहाँ पे भर दिया, 60 यहाँ पे भर दिया, तो आपका बैलेंस कितना बचा, 1,50,000। अब जो 1,50,000 रह गया उसमें से आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना है और बाकी इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो थी उसके आगे भी कोई परसेंटेज होगी, मैं मान लेता हूँ 15% पे हमने ये लिया, तो इनको कितना देंगे हम प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना देंगे, 45,000। 3 लाख ही तो लिया था, तो 45,000 हमने इनको दे दिया, बाकी कितना बचा, 1,05,000। यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विटी का प्रॉफिट 1,05,000। सबको क्लियर है? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहला, रिटर्न ऑन डिबेंचर क्या मानोगे, रिटर्न ऑन डिबेंचर। आपको कि डिबेंचर ने जो पैसा लगाया और उस पर क्या पाया वो रिटर्न ऑन डिबेंचर। तो रिटर्न ऑन डिबेंचर अगर मैंने पूछा तो डिबेंचर ने ये पैसा लगाया और ये पाया, ये रिटर्न ऑन डिबेंचर हुआ। दूसरा सवाल, रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर क्या मानोगे। आपको कि प्रेफरेंस शेयर ने ये पैसा डाला और उनको ये पैसा वापस मिला, तो रिटर्न ऑन प्रेफरेंस हुआ। अगर मैं बोलूँ रिटर्न ऑन इक्विटी, जो फार्मूला मैंने लिखा है, इक्विटी ने कितना पैसा डाला और कितना पैसा मिला, आप ध्यान रखना इक्विटी ने ये सारा पैसा डाला है, ये सारा पैसा डाला है और उसको क्या मिला, उसको मिला है ये वाला अमाउंट। कौन सा अमाउंट, 1,05,000। अब जरा लॉजिक समझना, ये 1,05,000 तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब तुम किस किस का हिसाब कर दोगे, किस किस का हिसाब कर दोगे, नंबर वन पहले इंटरेस्ट दे दोगे, नंबर टू क्या दे दोगे, टैक्स, नंबर तीन उसके बाद ही बचेगा। फार्मूला चेक करना तो मेरे असाइनमेंट में भी है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, तीन लोगों का हिसाब कर दो तो जो बचा रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा। डिवाइड बाय ये पैसा किसको मिलेगा, जिसने ये इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदे और उसका ग्रुप टोटल इतना है, तो इसने फार्मूला क्या कहते हैं, क्या लगाएंगे नीचे, इक्विटी फंड। ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इससे हमारा ये समझ में आ जाएगा। अब मैं तुमसे सवाल सिंपल सा पूछता हूँ, मैंने टोटल कितना पैसा डाला और टोटल मुझे कितनी कमाई हुई। आपको कि सर टोटल आपने 19 लाख डाला और टोटल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में करोगे, पहले तो टोटल इनकम की बात करोगे, टोटल इनकम तुम्हारी कितनी थी, टोटल इनकम तुम्हारी 2.5 लाख थी, उसमें से फिर बंटवारा तुमने किया वो अलग अलग बात है, लेकिन तुम्हारी टोटल इन्वेस्टमेंट पे टोटल कमाई तुम्हारी 2.5 लाख हुई थी, उसके बाद तुमने उसको डिवाइड किया, जिन जिन लोगों से पैसा लिया था उन लोगों को उसका उसका प्रॉफिट का हिस्सा दिया। अच्छा, ये 2.5 लाख रुपये कैसे आएगा, जब ना मैं इंटरेस्ट दूं, ना मैं टैक्स दूं और ना ही किसी को
डिविडेंड रूम, तो जो मेरे पास होगा वो टोटल प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। जब मैंने किसी को कुछ दिया ही नहीं तो टोटल प्रॉफिट तो मेरे हाथ में लगेगा। तो फाला देखो क्या कहता है, प्रॉफिट बिफोर, अभी किसी को मत देना कुछ भी। किस किस को नहीं देना? ना इंटरेस्ट देना, ना टैक्स देना, ना डिविडेंड देना। जब मैं सारा पैसा नीचे लिखूंगा तो मैं सारा प्रॉफिट ऊपर लिखूंगा, जब मैं सिर्फ इसका पैसा नीचे लिखूंगा तो सिर्फ इसी का प्रॉफिट ऊपर लिखूंगा। सिंपल सा लॉजिक, जिसका पैसा उसका प्रॉफिट। जब मैंने इक्विटी की बात की थी, मैंने देखो इक्विटी फंड लिखा तो प्रॉफिट भी सिर्फ ये वाला लिखा, क्योंकि जिसका पैसा उसका प्रॉफिट। और जब मैंने सबका पैसा लिख दिया तो प्रॉफिट भी सबका लिखेंगे, मतलब हमारा फाइनल हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। कोई भी डिविडेंड नहीं दिया हो। और डिवाइड किससे करेंगे? कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझाने वाला हूं, और आपके असाइनमेंट में ये जो क्वेश्चन है वो है 34। बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे नोट्स में ये जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज आएगी? ये 4 नंबर स्टेज है जिसकी डिमांड की जा रही है। ये जो स्टेज यहाँ पे आ रही है वो हमेशा कौन सा स्टेप होगा? यहाँ पे 4 नंबर होगा। आपकी इनकम स्टेटमेंट में इस स्टेप पे आपको पहुँचना है, चाहे वो कोई सी भी स्टेज का तुम्हें प्रॉफिट दे, तुम्हें निकालना है कि यहाँ पे 4 नंबर पे वो फिगर क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 34 में अब देखें तो बैलेंस शीट आपके सामने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल इंप्लॉयड का भी मैंने फार्मूला लिखा है पूरा बड़ा। अब आप मुझे बताइए हमारी कैपिटल इंप्लॉयड इस बैलेंस शीट से क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेनी है, जो रिजर्व है वो भी ऐड कर लेना है, कोई फिक्टिशियस असेट है तो उसे माइनस कर देना है। फिक्टिशियस असेट का मतलब कोई डिस्काउंट है, कोई लॉस है, कोई प्रिलिमरी एक्सपेंस है तो माइनस कर देना है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड कर लेना है, और कोई लोन है तो उसे भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितना अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल में? 2 लाख रुपये। अच्छा, रिजर्व भी है, ये भी इक्विटी फंड का ही पार्ट है, रिजर्व भी ऐड कर लो। रिजर्व का अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपये। हमने कोई लोन नहीं लिया हुआ, कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी नहीं है, और हमारे पास कोई फिक्टिशियस सेट भी नहीं है। इसका ना सिर्फ इन्हीं लोगों को ऐड करेंगे और 3 लाख रुपये फिलहाल हमारे बिजनेस में कैपिटल होगी, ठीक है जी। दूसरी चीज हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये चाहिए। क्वेश्चन में देखोगे तो हमें प्रॉफिट बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, सिर्फ बैलेंस शीट में ही प्रॉफिट नजर आ रहा है। प्रॉफिट इन बैलेंस शीट कितना भी प्रॉफिट इन बैलेंस शीट? 60,000 रुपये। अब इनकम स्टेटमेंट पे आ जाओ, आप यहां पे पहुंचे हुए हैं, बैलेंस शीट का प्रॉफिट है 60,000 रुपये, तो आपको बैक आना है यहां तक, और इसके बीच में जो 4 एंट्री हैं, 4 ही चीजें माइनस हुई हैं, वो चारों चीजें क्या हो जाएंगी? प्लस। सबसे पहले क्या प्लस होगा? इक्विटी डिविडेंड। मैं यहां पे लिख देता हूं फिर इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड के लिए आप देखोगे क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर। हमने इक्विटी शेयर पे 15% का डिविडेंड दिया था, और फिगर बता दो, कैपिटल बताओगे कितनी है इसमें? 2 लाख। तो 15% आप उसका निकालें तो इक्विटी डिविडेंड का अमाउंट नहीं मिल जाएगा। ये तो कह रहे हैं 15% डिविडेंड दिया था, तो चेक करो इक्विटी कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 15% निकालो, कितना हो गया ये? 60,000, और ये कितना हो गया? 30,000। अच्छा, और चेक करो, हमने ये तो पास कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो होगा नहीं। कहीं पे इन्होंने टैक्स भी नहीं बताया, ये भी नहीं होगा, और कहीं पे कोई लोन भी नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। अगर होते तो ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, और ये भी प्लस होता, लेकिन तीनों ही नहीं है, तो इसका हमारा फार्मूला बस इतना ही बन पाएगा। कितना हो गया ये? 90,000। अब आप फार्मूले में ले जाओ दोनों फिगर, 90,000 तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है, 3 लाख रुपये आपको नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो 30% आपका आंसर होगा। चेक करो आंसर में गिवन है ये, ठीक है, कंप्लीट है फिर।